फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो तीन लोगों को बिल्कुल पसंद आने वाला है। एक तो बच्चे, बूढ़े और तीसरा है जिनको शुगर है। तो इन सभी लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है और इसे बड़े छोटे हर टाइप के लोग खा सकते हैं। तो आप भी बनाना सीखिए कि किस तरह से मैंने ये मिठाई बनाई है। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए है मखाने, पैन खजूर, किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट। ये सभी चीज़ें शरीर के लिए कितना उपयोगी है ये तो आप लोगों को सबको पता होगा। तो मैंने इनको सबसे पहले सभी जितने भी ड्राई फ्रूट हैं इसमें किशमिश और जो पैन खजूर है उसको छोड़ के बाकी सबको रोस्ट कर लिया। इनको अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। ये खोपरा ले लिया है और इन सभी को मैंने भून लिया है, रोस्ट कर लिया है और अब मैं इन सभी को पीसूंगी। तो इसमें मैंने पहले लिया है काजू, अखरोट और बादाम। इनको एक एक तरफ पीस लिया है। ये देखिए मैंने पीस लिया है। इसको आप एकदम बारीक कर लीजिए ताकि ये बूढ़ों को भी खाने में अच्छा रहेगा, बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि इसमें ड्राई फ्रूट है। तो ये सब चीज़ों को एकदम बारीक पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा दरदरा भी रखेंगे तो चल सकता है, पर बच्चे और बूढ़ों के लिए एकदम बारीक कर लीजिए। अब मैंने इसमें उसके बाद मखाने और खोपरे को अलग से पीसा है। फिर उसके बाद मैं ये जो पैन खजूर और किशमिश को पीस रही हूँ, इनको पीसते टाइम पे थोड़ा सा इसमें एक चम्मच या दो चम्मच आप शहद भी मिला सकते हो। ये तीनों चीज़ें क्या है कि मिठाई को मीठा करने के लिए है। और जो शहद डाला है वो डालने से ये पीस अच्छे से जाएगा। जैसे गुड़ हो जाता है, गुड़ को एकदम बारीक कर लो तो किस तरह से होता है उस तरह से ये भी हो गया है। इसमें मैंने पैन खजूर, किशमिश और थोड़ा सा शहद, एक चम्मच या दो चम्मच शहद डाल लीजिए। अब ये जो इसमें आजू बाजू जो चिपका हुआ है इसमें मैंने थोड़ा सा ये जो मखाने का को मैंने पीस लिया था वो भी मैं इसमें डाल के एक बार और मिक्सर में हिला लूँगी ताकि ये जो इसका मिक्सर में आसपास जो चिपका हुआ है वो निकल जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। देखिए मैंने जो ये पैन खजूर, किशमिश और शहद का जो मिक्सचर था उसमें मैंने ये बादाम डाला। उसके बाद ये जो मखाने और खोपरे का जो मिक्स था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। आप थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो अगर आपकी चॉइस हो तो। मैं ज़्यादा इलायची पाउडर नहीं खाती हूँ इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। तो उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब तक कि वो सभी चीज़ें आपस में मिल ना जाए तब तक उसे मिक्स करते रहिए अच्छी तरह से, हाथ से मसल मसल के उसे पूरा पेस्ट को अच्छी तरह से मसल लीजिए। अब उसकी मिठाई कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए मैंने ये बिस्किट का शेप दे दिया है इसमें। आप इसको और भी कोई शेप दे सकते हो, लड्डू दे सकते हो, बर्फ़ी दे सकते हो। बर्फ़ी भी इसकी आराम से बन जाएगी बहुत बढ़िया से। मैंने इसे बिस्किट का शेप दिया है ताकि बच्चों को ये पसंद आए और वो बिस्किट जैसा इसको खा ले, क्योंकि इस बच्चे ऐसे तो अगर लड्डू बोलेंगे तो बच्चे खाते नहीं हैं। बर्फ़ी भी बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन आप बिस्किट का रूप दे देंगे इसे कि ये बिस्किट है तो वो ज़रूर खाएँगे इसे। और शुगर वालों के लिए तो कितना यूज़फुल है ये आप भी जानते हैं। इसमें कोई भी शुगर की चीज़ मैंने, शक्कर की या गुड़ की कोई भी चीज़ नहीं मिलाई है, ओनली सब नेचुरल चीज़ें ही मिलाई है, पैन खजूर, किशमिश और शहद। इससे मीठा हो जाएगा, ये काफ़ी मीठा हो जाता है और बूढ़े लोगों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सब पिसा हुआ है। तो फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कॉमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बनाइएगा ज़रूर ये मिठाई, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही है और ड्राई फ्रूट खाना कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए ये आप सभी जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।